446 बरस कबल यानी कि 1564 ईस्वी में मुगल शहंशाह अकबर ने बंगाल के हाकिम दाऊद खान किरानी को राजमहल की जंग में शिकस्त देते हुए बंगाल का उन्होंने मुगलिया सल्तनत के साथ इल्हाक कर दिया था और फतह के बाद उन्होंने मुजफ्फर खान को बंगाल का तीसरा मुगल सूबेदार बना दिया। बंगाल पर दरअसल किरानी खानदान की हुकूमत थी। इस सल्तनत की बुनियाद दरअसल कारलानी कबीले के एक नस्ली पश्तून ताज खान ने 1564 ईस्वी में रखी थी। ताहम बंगाल पर हुक्मरानी करने वाला ये आखिरी खानदान था। राजमहल की जंग में फतह के बाद मुगल शहंशाह ने दाऊद खान को फांसी दे दी थी।